नमस्कार दोस्तों, रूपल की रसोई में आपका स्वागत है। आज हमने तैयार करें चने की दाल और चावल से खमन और इडली। आप दाल चावल खाकर के बोर हो गए, आप इसे ट्राई करिए, आपको बहुत ही टेस्ट लगेगा। और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक भी जरूर कीजिए। खमन बनाने के लिए मैंने एक कटोरी चने की दाल, एक कटोरी चावल, इसे आप रात भर भिगो के रख दीजिए। रात में जो हमने चने की दाल भिगोई थी वो इस तरह से फूल के डबल हो चुकी है। साथ ही चावल भी हमने भिगोया था, वो भी तैयार हो चुका है। अब हम चने की दाल और चावल को मिक्सी में अलग अलग पीसेंगे और पीसने के लिए हम पानी की जगह छाछ का यूज करेंगे। आपके पास छाछ न हो तो आप दही भी डाल सकते हैं, खट्टी छाछ होगी तो बहुत ही अच्छी बात है। मिक्सी में हम चने की दाल को पीस लेंगे, एकदम बारीक पेस्ट तैयार करना हमें। पानी की जगह हम छाछ डालेंगे थोड़ी। चने की दाल का ये देखिए बारीक सा पेस्ट तैयार हो चुका है। इसी तरह हम चावल का भी पेस्ट तैयार कर लेंगे। अब जो हमने चावल पीसे थे उसे भी हम इसी दाल के पेस्ट में मिला देंगे। इन दोनों पेस्ट को हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे और इसमें एक चम्मच नमक डाल के हम इसको 45 मिनट के लिए रेस्ट के लिए छोड़ देंगे। किसी गर्म जगह छोड़ेंगे तो ढोकले बहुत ही अच्छे बनेंगे। इसमें हम एक चम्मच नमक डाल रहे हैं और इसे भी अच्छी तरह मिक्स करेंगे। नमक डाल के हमें इसे बहुत ही अच्छी तरह मिक्स करना है, दोनों चीजें अच्छी तरह मिक्स हो जाना चाहिए। फिर हमें 45 मिनट के लिए इसे ऐसे ढक के किसी गर्म जगह पे रखना है। 45 मिनट हमने इस खोल को धूप में रखा है। अब हम इसमें एक चुटकी हींग, पिसी हुई चीनी, आधा चम्मच हम इसमें पिसी हुई चीनी डालेंगे, एक छोटा चम्मच हम इसमें चीनी डालेंगे पिसी हुई। पीसी हुई चीनी हम इसलिए डाल रहे हैं कि झट से घुल जाएगी। साथ ही हम इसमें आधा चम्मच लाल मिर्च डालेंगे। नमक हम पहले डाल चुके थे, थोड़ा नमक और डालेंगे। उन सबको हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। सारे सामान को हमने अच्छी तरह इसमें मिक्स कर दिया है। नीचे नीचे गाढ़ा रहता है इसलिए आप इसको अच्छी तरह मिक्स करिए और जब भी ढोकला बनाए तो अच्छी तरह मिक्स करके बनाए। अब हम इसमें से आधा घोल लेंगे अपने ट्रे के हिसाब से, जो आपको सांचे में सेट होती है उस हिसाब से, और उसमें आप एक इनो का पाउच डालेंगे। पूरे में नहीं डालना है क्योंकि घोल बहुत सारा है, जितना आपके ट्रे में आता है उस हिसाब से आप लीजिए। उसमें इनो का एक पाउच डालिए, इसे मिक्स करिए अच्छी तरह। मैं इसको देखो, इनो डाल के हमने इसे अच्छी तरह मिक्स कर दिया है। अब हमने अपने ट्रे में तेल लगा के रखा है। कढ़ाई हमारी गर्म हो चुकी है, जिसमें भी आप बनाएंगे जो भी आपका सांचा हो आप इसे किसी भी शेप में बना सकते हैं। इसमें घोल डाल दीजिए, थोड़ा खाली रखिए, फूल के ऊपर आएगा। इसी तरह हम दूसरी ट्रे भी हमारी सेट कर देंगे, इसमें भी इसे डाल देंगे और इसको 20 मिनट के लिए ढक के छोड़ देंगे। 20 मिनट के लिए हम इसे ढक के छोड़ रहे हैं। 20 मिनट हो चुके हैं हमें इसे चढ़ाए हुए, हम इसे चेक करेंगे। ये देखिए अच्छी तरह फूल चुका है। अब हम गैस बंद कर देंगे, इसे ठंडा होने के बाद मंचे आकार में आप इसको काटिए। जो बचा हुआ हमारा घोल है उसमें भी हम इनो मिलाएंगे और उसी तरह हम अब उसे इडली के सांचे में सेट करके बॉईल करेंगे। इसे भी हमने इडली के सांचों में डाल के इसे भी हम 20 मिनट तक पकाएंगे। खमन की ट्रे हमारी ठंडी हो चुकी है, हम इसकी ऊपर की परत इस तरह से निकाल लेंगे जिसमें जालियां जो बाजार में दिखती है उस तरह की आपको दिखेगी। पूरे खमन में इस तरफ से आप इसकी पपड़ी निकाल लीजिए, चाहे इस तरह से जाली दिखेगी आपको खमन में। इस तरह से मैंने इस एक ट्रे की जाली निकाली, आपकी इच्छा पे आप निकालना चाहें तो जाली सा दिखेगा। मैंने इसको काट के इस तरह से पीस निकाल दिए, इसके हम सारे पीस इस तरह से निकाल देंगे। इस तरह हमने सारे खमन निकाल दिए। अब हम खमन का छौंका तैयार करते हैं। कढ़ाई में हमने एक चम्मच तेल डाला है, तेल हमारा गर्म होता है। इसमें हम राई के दाने डालेंगे। ये खमन हमने चावल और चने की दाल से तैयार करें जो कि बहुत ही पौष्टिक है। हम कड़ी पत्ता डालेंगे,
हम इसमें उड़द की दाल डालेंगे एक चम्मच और हरी मिर्ची जो हमने लंबे लंबे पीस में काट के रखी थी उसे भी डालेंगे। थोड़ा नमक डालेंगे। हरी मिर्ची को हमें तलना है। हरी मिर्ची हमारी तल चुकी है, हम इसमें खमन डाल देंगे और अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेंगे। हमने खमन को छोक दिया है, हमारे खमन तैयार है। इसे आप सॉस के साथ, चटनी के साथ, नारियल की चटनी के साथ, जिसके भी साथ आप खाना चाहें खाइए।